और सब्सक्राइब तो श्योर कर ही लिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैं आपको एक नया ट्रिक बताने वाला हूँ, फोर लेग एंड टू लेग क्वेश्चन से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास कुछ कहा हुआ है, एन है, उनके नंबर ऑफ हेड्स की संख्या दी रहती है, नंबर ऑफ लेग्स की संख्या दी रहती है, और आपको बताना होता है कि वो कितने एनिमल्स हैं, उसके स्काउ कितने हैं और हैं कितने हैं। उसी से संबंधित मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे बोर्ड पे डाला है, आप उसे कहीं मिलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि एक फार्मर के पास कुछ काउ और हेन है, द नंबर ऑफ हेड्स, जो हेड है उसकी संख्या है 60, ठीक है, और नंबर ऑफ लेग्स की संख्या है 160। आपको बताना है कि उसके पास कितने काउ हैं और कितने हेन हैं, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा एक ट्रिक है, जैसे सपोज करें कि आपको काउ निकालना है, काउ यानी कि फोर लेग्ड एनिमल निकालना है, फोर लेग्ड एनिमल निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है L by 2 minus H। यहाँ पे L होता है leg, L का मतलब हो गया leg और H का मतलब हो गया head। मतलब किस फॉर्मूला पे डालेंगे आपका निकल जाएगा कि उस फार्मर बस कितने काउ हैं। सपोज के लिए यहीं पर मान लेते हैं, जैसे L by 2, तो L कितने, यहाँ पे legs की काउंट कितने दिया, 160 दिया गया, तो 160 by 2 हो जाएगा, माइनस हेड की संख्या कितनी दी हुई है 60, कितना हो जाएगा 160 by 2 हो जाएगा 80 minus 60, यानी कि 20 काउ है उसके पास, ठीक है। अब आपको निकालना हो, सपोज कर लीजिए कि पूछ देता है कि आपसे कितनी मुर्गियां हैं उसके पास, तो मुर्गी का भी एक फॉर्मूला है। सपोज कर लीजिए आपको निकालना हो कि फोर लेग मुर्गी, अगर सपोज आपको टू लेग यानी जो हेन है वो निकालना, उसका फॉर्मूला होता है 2h minus l by 2। इस फॉर्मूला पे आप जाएंगे तो वो भी निकल जाएगा। तो आपके पास कितने हेड हैं, देख लीजिए आप हेड की संख्या कितनी दी है 60, तो 2 into 60 माइनस L, L कितना है 160 by 2, ये कितना है 2 into 160 करेंगे तो 120 माइनस 160 by 2 कितना है 80, ये कितना देगा 40, देख लीजिए। तो उस इस फार्मर बस कितने काउ है 620 काउ है और हिन की संख्या कितनी है 40 है। अब हम इसे कैलकुलेट कर देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। यदि वो काउ है तो उसके चार पैर होंगे, तो यदि उसके 20 काउ है और सबके चार चार पैर, तो टोटल पाँव की संख्या कितनी होगी काउ की, 20 इंटू 4 80, ठीक है, और उसके पास कितने हैं 40 हेन है और इनके पैर कितने होते हैं 2, 40 गुना 80, 80 160 हो गया, और इस दोनों को भी आप जब जोड़ेंगे तो हेड काउंट हो जाएगा 60, क्योंकि सभी जितने भी काउ होते हैं या हेड होते हैं सबका सर तो एक ही होता है, तो 20 काउ हो गए, 40 हो गए, तो 20 और 40 कितना हो गए 60। देखिए आपको मिल गया कि 60 उसके हेड काउंट थे और 160 उसके लेग काउंट थे। तो ये फॉर्मूला आप अपनाएंगे तो आपको फटाक से वो बन जाएगा। आपको वो पहले वाला नियम था ना 2xxy करके हम बनाते थे, वो नहीं करना होगा।